नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेन सिंह। आप देख रहे हो रामेन टेक एंड बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैं अपने यूट्यूब चैनल मतलब लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, सीएसपी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स या अदर हेल्प इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही थी, हम माइनर अकाउंट ओपन करते हैं और जैसा कि आप जानते हो माइनर अकाउंट की ई केवाईसी नहीं होती है और उसी हम कस्टमर केयर के द्वारा अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब हम माइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें दो आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही आपके मैंडेटरी हैं। बिना पैन कार्ड के आप अभी तक माइनर अकाउंट नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन अब जो है आज मैंने एक माइनर अकाउंट खोलने की कोशिश की जिसमें कुछ अपडेट किया गया है, वही अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पे चल रही है उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। उसमें एक जो हमारा फॉर्म नंबर पैन कार्ड का ऑप्शन था वो पहले परमानेंटली मैंडेटरी था, जिसमें पैन कार्ड के अलावा उसमें आप कुछ भी फिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 60 पहले की तरह हो चुका है। आप यदि कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वहाँ पे चूज कर सकते हो, और पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 को भी कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है इसमें कि यदि आप फॉर्म नंबर 60 के साथ खाता खोलना चाहते हो माइनर अकाउंट का और उसका पैन कार्ड नहीं है तो उसका आप चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, यदि आप माइनर अकाउंट खोल रहे हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और जो उसका गार्जियंस है उस गार्जियंस का एक आईडी प्रूफ चाहिए, वो आईडी प्रूफ का नंबर भी आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। लेकिन यदि यही खाता यदि आप माइनर अकाउंट का पैन कार्ड के साथ खोल रहे हो तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब चीज़ वही है, आपको माइनर अकाउंट खोलना है तो दो आईडी प्रूफ आपको कंपलसरी देने ही पड़ेंगे, कस्टमर को देने ही पड़ेंगे। यदि वो आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड देता है तो आप फिर कस्टमर से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। लेकिन यदि आप फोन नंबर 60 सेलेक्ट करते हो पैन कार्ड के बिना खाता खोलना चाह रहे हो तो जो उसका कस्टमर का है वो उसका माइनर अकाउंट के कस्टमर का जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में उसका जो गार्जियंस है उसका भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड या जो भी है उसका एक आईडी प्रूफ वहाँ पे लगेगा। वो आईडी प्रूफ वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा और उसके अटैच भी आपको जो खाता खोलोगे उसके साथ अटैच भी गार्जियंस का वो भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा अपडेट किया हुआ है माइनर अकाउंट में। तो एक ये छोटा सा अपडेट था, अपडेट आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।